नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उन्नाव में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। जी हां, पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बैनर पोस्टर फाड़े और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सूचना नेटवर्क के लिए उन्नाव से गिरधर श्याम की रिपोर्ट। जो यहाँ पे हो रहा है, आप मुद्दे पर हो रहा है सर, इसके लिए आप लोगों को क्या परिणाम? ये मुद्दे पर इसलिए हो रहा है कि जो योगी जी की तानाशाही है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार जो अंग्रेजों से बदतर राज कर रही है, उसके खिलाफ जैसा कि लखीमपुर खीरी में कल 4 किसानों की हत्या हो गई, हत्या करी गई। ये केंद्रीय राज्य मंत्री जो है, गृह राज्य मंत्री है, उनके बेटे ने 4 किसानों की गाड़ी चढ़ाकर उनको मार दिया। तो माननीय अखिलेश यादव जी उन परिवारों से, उनके परिवार के लोगों से मिलने जा रहे थे, तो अखिलेश यादव जी को जाने नहीं दिया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। धरना इसके विरोध में है कि उन अखिलेश यादव जी को रिहा किया जाए और लखीमपुर खीरी वो किसानों के परिवार से मिल के उनको मिलने जा रहे थे, उनके उत्सुक में शामिल होने जा रहे थे, उनको जाने दिया जाए। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा, ये धरना प्रदर्शन निरंतर चल रहा है। आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क उन्नाव से गिरधर श्याम की रिपोर्ट। किस तरीके से जन समूह देख रहे हैं आप, ये राजेश यादव जी जिला सचिव हैं उन्नाव जनपद के। उन्होंने सत्ता के खिलाफ जो शासन प्रशासन से दबाव बनाकर सपा के मुखिया को जेल भेजा जा रहा, कहीं कुछ किया जा रहा, दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं की जा रही है, इसलिए ये जन समूह आपके सामने एकत्रित हुआ है। लोग अपना न्याय मांग रहे हैं इस गवर्नमेंट से कि ये क्रूर शासकता बंद की।